आना को बुक्स बहुत पसंद है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर टाइम 5:30 के ऊपर हो गया। मैंने अपना सुसु रोक के रखा है, अभी तक मैं टॉयलेट नहीं गई हूँ। कितना पीसफुली सो रही है मेरा बच्चा। तो डैडी नहा के आ गए हैं एंड यहाँ पे 21, 24, 25 आना 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 बोल रही हूँ मैं भी, पागल हो गई। एक्चुअली मुझे नींद आ रहा है। 29, 30, 31, 32 कितना क्यूट लग रहा है डैडी एंड डॉटर। अब मम्मा जाएगा नहाने, पहले मम्मा खाना गर्म करेगा, कॉफ़ी पिएगा अपना, बिकॉज मुझे नींद आ रहा है, तो कॉफ़ी पीऊँगी मैं अपना देन। आना मैडम यहाँ प्ले प्ले कर रही है और डैडी निकल, आप किसी को रोका डकी को किसी को रोजा डकी गिर गई आपकी। नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, काफ़ी देर पहले नहा चुकी हूँ, लंच भी हमारा हो गया है और रणवीर ड्यूटी भी निकल गया है। अन्ना ने एक छोटा सा नैप भी ले लिया और अभी अन्ना मैडम प्ले प्ले कर रही है। अन्ना का फेवरेट उसका डकी ही है, वो डकी से ही ज़्यादा खेलती है। टाइम हो रहा है 5:10 बाकी है एंड अन्ना मैडम इज प्लेइंग विद द डकी। आपका डकी फेवरेट क्यों है? क्योंकि आप उसका ये मुंह खा सकते हो क्या? एंड आई एम स्टिल रीडिंग कल की और पेज नंबर 301 पे हूँ। बस इतना सा बचा है, इतना सा बचा है, ख़त्म होने वाला है। हाँ प्ले प्ले करो, यू कैन प्ले विथ योर रिंग्स ऑल्सो। मम्मा रीडिंग, आपको मम्मा का बुक चाहिए? बुक पढ़ेगा? बुक आना को बुक्स बहुत पसंद है। प्लेन है, इसमें कोई कलर्स नहीं है, फिर भी उसको अच्छा लगता है। अच्छा डी प्ले करो, मम्मा रीड कर ले। ओके अच्छा, मम्मा जोर से पढ़ेगा। जिन ये मुस्कुरा उठा, वैसे तो सकारात्मकता तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, लगता है कि कुछ याद आ रहा है। ऐसा क्या है जो तुम्हें सता रहा है? ईमानदार गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर यात्रा के दौरान अर्जुन ने इसे जाना। कल्पना को मैं बुकमार्क से दूरी रखती हूँ, बुकमार्क देखते ही उसका ध्यान सीधा से चला जाता है। अमन न्यो 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 देखी 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 न्यो 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 न्यो, अब इसको चाट चाट के गीला कर दूंगी। न्यो अमन ग्रीन, कैन यू से ग्रीन? बच्चे कब से बात करना स्टार्ट करते हैं? कब बात करेगी? पता नहीं फर्स्ट वर्ड क्या होगा, मम्मा की डैडी। आना का फर्स्ट वर्ड क्या होगा? मम्मा की डैडी। इट्स 7 PM नाउ, मुझे पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो के आई, लंच के ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन रखे हुए थे। आना सो नहीं रही थी बट 6 बजे सो गई, सो अभी बज रहा है 7 something हो रहा है एंड मैडम 1 घंटे समथिंग का नैप लेके उठी है। मैं रूम से आई देख रही हूँ अकेले अकेले खेल रही है इधर उधर देख के। कितना सोना पुत्र है मेरा, कितना क्यूट पुत्र है। मम्मा को आवाज़ भी नहीं लगाया, रोया भी नहीं कि मम्मा मैं उठ गई हूँ। मम्मा तो आती नहीं किचन से, पता भी नहीं चलता कि आप उठ गए हो। है ना क्यूट पुत्र मेरा। तभी आने के साथ प्ले प्ले करूँगी, थोड़ा सांस ले लेती हूँ। पानी पीऊंगी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? She wants to say something. बोल दो। शिहाई शिहाई शिहाई, मुझे उसके पैर के पास तकिया इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये पैर पटकती है जो धुप धुप, नींद में पटकती है ज़्यादा, तो नींद में पटकती है फिर वो धूप से वो खुद डर के मारे उठ जाती है, तो मुझे रखना पड़ता है ताकि। और आना का एक आदत और है, वो मेरे बॉडी में पैर चढ़ा के सोती है, बॉडी में उसका पैर टच होना ज़रूरी है। खिक कर रही है तो इसीलिए, ताकि उसको ये भी लगे कि मैं भी पास हूँ और दूसरा मतलब धप से आवाज़ हो तो वो डर के मारे उठे भी ना। एंड मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि किचन में खिड़की वगैरह बंद है क्योंकि मच्छर आने का टाइम है।
तो मैंने फिर भी बर्तन दे लिया। क्या फ़ायदा होता है नहा के मेरा? और लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कोई कोई कि अच्छे से रहो घर में, सज धज के रहो। कैसे रहूँ सज धज के मैं? अब व्लॉगिंग करना चाहती हो? अरे मेरे गब्बा कि ना क्यूट सा पुत्र है मेरा, मेरे स्ट्रांग से सोना से क्यूट से पुत्र है। हवा जी नैप मामा, हवा जी नैप। कितना क्यूट स्माइल ली थी। डिड यू स्लीप वेल? अच्छी सी नींद है आपको? आपने मम्मा को आवाज़ भी नहीं लगाया कि हाय मम्मा, मैं तो उठ गई, आप तकने के लिए प्ले कर रहे थे। मैं बर्तन वगैरह धो के आई, मम्मा आपका पानी निकल रहा है आँख से, वहाँ स्लीप मॉन यही पसीना आ रहा है। तो अभी मैं अन्ना को मिल्क उस पिला देती हूँ एंड मल्टीविटामिन खिला देती हूँ। अच्छा यार रोशनी मिलने आई है, आना वहाँ रोशनी को देखती है। का हालत ये है, मेरे बरामदे तक पानी भर गया है। जा सारे ये सब धुले हुए थे। ओह माय गुडनेस, नो वेट। हाँ आना वहाँ खेल रही है। जा ये पेड़ टूट गया। ये गीले कपड़े हैं, ये सूखे कपड़े हैं। भयानक तूफान आया आज से, लाइट नहीं है एज यूजुअल। एंड मम्मा एंड आर्नो रेन एंजॉय कर रहा है, कितने प्यार से देख रही है बाहर, कितने हिल रहे हैं। आई थिंक शाम के 7:30 हो रहे हैं और अभी तक लाइट नहीं आई। बाहर का नज़ारा देखिए एक बार, इतना डार्क है, किसी का घर भी नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। बट मेरे को खिड़की खोल के रखना पड़ रहा है क्योंकि कीड़े मकोड़े आने का तो डर है, बट गर्म हो गया रूम इतना ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने खिड़की खोल के रखा है थोड़ा सा, जस्ट इतना खोल के रखा है आधा। मामा सी समथिंग, लाइट नहीं है। मैं बोतल से प्ले करती हूँ, दिखा बोतल से प्ले करती हूँ, मैं ऐसे प्ले करती हूँ, बोतल मुझे पसंद है। हम लोग को देखती है ना पानी पीते हुए, तो वैसे ही बोतल लेके सेम वैसे ही करने की कोशिश करती है। टाइम दिख रहा होगा कि नहीं, बट रात के 9:30 हो रहे और लाइट अभी तक नहीं आया है। मेरा सर फट रहा है, हाथ दुख गया ना को हवा कर करके। एंड फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैंने बात यही है 15% बैटरी है, पता नहीं कब लाइट आएगा। फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं, मोमबत्ती जलाया है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना। 5:30 घंटे के ऊपर हो गए, मैंने अपना सुसु रोक के रखा है, अभी तक मैं टॉयलेट नहीं गई हूँ। आना वहाँ सो रही है, पता नहीं दिखेगी नहीं अंधेरे में। अब आना को छोड़ के जाऊँ कैसे, आना को छोड़ के जाऊँ कैसे अंधेरे में, पेट दुख रहा है सुसु करने के लिए। फ़ोन में भी 10% चार्ज है, कितना गुस्सा आ रहा है ना। रणवीर पे भी गुस्सा आ रहा है मेरे को, कितना बार मैसेज किया हूँ जल्दी आओ जल्दी आओ, पता नहीं कब लाइट आएगा। तो सीधा मैं कल मिलती हूँ, अभी यही मोमबत्ती जल रहा है, चार्जर लाइट ने भी साथ दिया, इतना घंटा वो भी गया। 10 मिनट